के बटन पे क्लिक करें, बेल के आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। माशरे में लकी कमेटी डालने का रुझान बढ़ता ही जा रहा है, जिसके तहत लोग 1 लाख की कमेटी को 80,000 में उठा लेते हैं और बकाया 20,000 या तो मालिक रख लेता है या फिर बाकी मेम्बरान में बराबर तकसीम कर ली जाती है। हाँ, ये ज़रूर है कि बाहर के किसी बंदे को शामिल नहीं किया जाता, क्या ये हलाल है? हाय माशाल्लाह, हाँ ये ज़रूर है कि बाहर के किसी बंदे को शामिल किया जाता, यानी बेफिक्र रही हो, बाहर का कोई बंदा नहीं होना, अंदर देखा भाई, अंदर का भी राम ही खा रहे हैं, बाहर और अंदर के साथ ताल्लुक ही नहीं है, ये बड़े मासूम बन के। इस्लाम में मेरे भाई सूद फाइनेंशियल पेनल्टी का नाम है, पैसे के बदले पैसा है, ये किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं है। 1 लाख की कमेटी जब किसी बंदे की निकली है तो उस बंदे को मिलनी चाहिए। अब होता क्या है कि वो बंदा आगे कमेटी को बेच देता है, वैसे बाहर वाले भी बाजुकात ये डाल लेते हैं, बाहर के बंदे भी टपक के वो कमेटियां उठा लेते हैं, बाहर का उठाए या अंदर का उठाए वो पूरी उसको कमेटी लेनी पड़ेगी। होता क्या है, वो कहता है जी 1 लाख कमेटी आपकी निकली है ना, वो कहेगा जी मैं 80,000 में इसे उठाता हूं, कि मुझे 80,000 दे दो, 20,000 तुम ही रखो, हालांकि 1 लाख लेना चाहिए ना, वो 20,000 फिर बाकी लोग डिवाइड कर लेते हैं आपस में, और इस तरीके से मामलात को लेके चल रहे हैं। ये सराहतन हराम है, सूद है, बल्कि इस तरह की जिस भी फॉर्म में कमेटियां चल रही हैं, चाहे वो 1 लाख को 80,000 में उठाए या 1 लाख को 1.5 लाख में उठा ले, कि जी मैं वापस आपको 1.5 लाख करूंगा पैसे के बदले पैसा, अभी मुझे 1 लाख दे दो लेकिन मैं वापस अब करने पर आऊंगा, मैं 1.5 लाख दूंगा और 50,000 ऊपर के लोगों में तकसीम किया जाए, पैसे के बदले पैसा सूद है, और जब तक कमोडिटी बीच में इन्वॉल्व ना हो ये हराम है, चाहे सूद बिल रिजा हो रहा हो या बिल जबर हो रहा हो। जिना बिल रिजा भी हराम है और जिना बिल जबर भी हराम है। मेरा पिछले दिनों एक क्लिप भी चढ़ा है प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन के ऊपर और सूद के ऊपर, उसमें मैंने जावेद अहमद गामदी साहब के हवाले से जो इस तरह की चीज़ें थी उनको एड्रेस किया है, तो वो आप देख लेना, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है।